पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर थाना में एक ऐसा भ्रष्ट और ऐसा करप्ट और ऐसा कुकर्मी छोटा दरोगा है जिसकी कहानी सुनकर के शायद आप भी दांतों से उंगली काटना शुरू कर देंगे। अरी जिला के कल्याणपुर थाना में जो समी मोहम्मद है छोटा दरोगा है, चूँकि उनके पास अपना महिला अपने हाथ लेके जाती है उनके लिए गुहार लगाने के लिए, तो महिला को क्या करते हैं नशा खिला देते हैं और नशा खिला के उनके साथ अपना गलत करते हैं, गलत करके उनका वीडियो बना लेते हैं। वीडियो के डर से कई साल तक अपना जब तक उनका मन नहीं भरा जब तक ही साथ में रखते हैं, उसके बाद जब मन भर गया उसके बाद में लात मार के भगा देते हैं। चूँकि उनके साथ चूँकि उसके शिकार मैं भी हूँ, मेरे साथ भी 1.5 साल तक रखे, उसके बाद में फिर कई लड़की के साथ उनका है और हल्ला हंगामा करने पर कानून माने अपना केस के लिए जाने पर वो धमकी देते हैं कि तुम्हारा कभी भी हत्या कर सकते। दरोगा जी बयान के लिए अपने गाड़ी में बैठा के आपको ले गए? जी, हर सीधी लेगा तो बोले कि नहीं थाना पे बहुत सारा लोग है कि चलिए रूम पे। रूम में गया तो बोले नाश्ता वास्ता करने वाले? नहीं सर, हमको जो भी बयान लेना लीजिए, हम अपने फिर जाएंगे। उसके बाद बोले कि नहीं नहीं चाय पी लो। उसके बाद चाय में कहा पिला नहीं पिला हमको कुछ पता नहीं। आपको दरोगा जी अपने डेरा पे चाय पिलाए और चाय पिलाने के बाद आप बेहोश हो गई, आपको कुछ भी पता नहीं लगा कहाँ है? उसके बाद 2:30-3 बजे तो देखे कि मेरे सास सोए थे, तो हम उसी वक्त उठे, बोले सर क्या मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहे हैं कि हम यही रह गए, हमको पहुँचाया नहीं आप? तो बोले नहीं हल्ला चिल्ला मत करो ना, तो तुम्हारा उसके बाद वीडियो मोबाइल खोले, मोबाइल के वीडियो दिखाने लगे कि ये देखो हम आपका वीडियो बना लिया था, गलत काम का वीडियो बना लिया था। जी, कि जब तक बिहार के थानों में इस प्रकार का रहेगा दरोगा तो न्याय कहाँ से होगा भैया, न्याय कैसे होगा? पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर थाना में एक ऐसा छोटा दरोगा है और इतना कुकर्मी दरोगा है जिसने हमारे सामने खड़ी शादीशुदा एक महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाया, गंदे काम का वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने का नाम लेकर के वर्षों तक इनके साथ गलत संबंध बनाया। उससे पहले ये महिला न्याय के लिए एक चौकीदार के पास गई थी, पहले तो चौकीदार इनका शोषण किया और शादी का झांसा दे के वर्षों वो भी गलत काम करता गया और उसके बाद थाने में बेच करके और थानेदार साहब ने इनका पूरा फायदा उठाने का काम किया। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर मामला कैसे क्या हुआ था, क्यों इनको चौकीदार के पास जाना पड़ा, उसके बाद क्या जरूरत थी कि इनको थानेदार के पास जाना पड़ा, उस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, ऐसा क्या हुआ था कि आप जो है चौकीदार के पास पहले गई थी? देखिए चौकीदार के पास गए नहीं थे, चौकीदार खुद मेरे चचानी से बातचीत करता था, उसके बाद मेरे चचानी से ही नंबर लेके वो मेरे हस्बैंड के पास फोन करके उल्टा सीधा बोल के वहाँ से हमको तलाक दिलवा दिए। अच्छा, यानी कि पहले अपने हस्बैंड को ही भड़का दिया? जी, वहाँ से तलाक दिलवा दिया। उसके बाद में रोना धोना बहुत किए, बोले कि नहीं, हम उनसे भी लड़ाई किए कि क्यों मेरे हस्बैंड को ऐसा बोले, तो बोलने लगा कि नहीं हमको शादी करना है, हमको शादी करना है, मुस्लिम बने थे, चूंकि एक बार भी नहीं बोला कि हम हिंदू घर से हैं। वो हिंदू है जी और आप मुस्लिम हैं? जी। आपसे वो क्या बोला था कि हम मुस्लिम है कि हिंदू हैं? नहीं मुस्लिम है, मुस्लिम। आपको बोला मुस्लिम है? जी, मुस्लिम बन के पटना मस्जिद में हमसे निकाह किया। निकाह भी किया आपसे? जी। उसके बाद वहाँ निकाह करने के बाद हमारे साथ रहा, तो उसके बाद में हम जाने की हाँ हिंदू घर से है, तो हम लड़ाई झगड़ा किए कि क्यों मेरे साथ ऐसा किए, गलत किए, तो बोल रहे नहीं हम हिंदू घर से है लेकिन हम मुस्लिम बन चुके हैं, चूंकि वही उन्ही के गाँव के कमरुल था, उससे हमको बात कराया कि कमरुल से बात करो कि हम मुस्लिम है कि नहीं। तो कहाँ का रहने वाला था वो? गोविंदापुर। गोविंदापुर का जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब वो भी बात उत किया तो बोला कि नहीं मेरा मामा है, तो हम विश्वास किए कि अच्छा ठीक है कि नहीं ये मुस्लिम बन चुका है, 1 साल तक मेरे साथ मुस्लिम बन के रहा। उसके बाद में फिर बोले कि नहीं आप औरत का कोई धर्म नहीं होता है, उसके बाद मंदिर में भी जाके किया, फिर रक्सौल कोर्ट में एक डेट भी बनाया, उसके बाद 2 साल रखा, 4.5 लाख रुपया मेरे पास था, सब ले लिया। उसके बाद में उनके घर पर भी 4 महीना थी, उसके बाद में मार पीट के घर से जो भी गहना जेवर था सब छीन छान लिया उनके घर पे के लोग और हमको भगा दिया। यानी कि पहले वो फोन करके आपके पति को आपके प्रति भड़का दिया जी। और आपका पति आपको तलाक दे दिया जी। फिर वो चौकीदार आपसे शादी किया जी। और शादी करके कई साल तक रखा था? 2 साल। 2 साल तक आपको रखा, आपसे पूरा पैसा भी ऐंठ लिया जी। उसके बाद वो भी आपको छोड़ दिया जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? और मार पीट के घर से भगाए थे, बहुत मारे थे, हम सदर अस्पताल में इलाज भी किए थे, और उसके बाद महिला थाना में गए, वहाँ मेरा केस 2 महीने के बाद FIR किया लो। उसके बाद में आज तक कुछ नहीं पता चला कि यहाँ चौकीदार का क्या हुआ। उसके बाद में फिर बोला कि हमको लेगा कि चलो चलो जो भी हुआ हम ब्याज पे भी पैसा ला के इनको दिए थे, ब्याज वाला लोग तंग करता था, वो बोला कि नहीं चलो हम तुमको पैसा दे देते हैं, सुलेनामा डाल देना, अब अच्छा से रखेंगे। हम बोले कि अच्छा एक बार होता है इंसान से गलती। उसके बाद में गया तो हमको किरासन तेल डाल के मारने का प्रयास किया लोग, पूरा हम लथपथ थे किरासन तेल से। उसके बाद में चिल्लाया उल्ला तो गांव का लोग बचाया लोग, फिर थाना को फोन किया लोग तो थाना आया लोग तो हमको लेके गया। उसके बाद बोला लोग कि समय मोहम्मद है अपने मुस्लिम है आपका हेल्प करेगा कि उनके पास आप जाइए। कौन बोला आपको?
वही गोविंदपुर का लोग है। वहाँ का लोग बताया कि जो थाना में छोटा दरोगा है शमी मोहम्मद, उसके पास आप जाइए, आप भी मुस्लिम है और वो भी मुस्लिम है, तो आपका मदद करेगा जी। फिर क्या हुआ? उस मदद के लिए उनके पास कॉल किया, मुतिहारी आया था, किसी लड़की का कोर्ट में बयान दिलवाना था, उनके साथ ही सब आदमी के साथ पांच छह आदमी था लोग, हमको बैठा के ले गए कि चलिए वहाँ बयान लेंगे। यानी कि दरोगा जी बयान के लिए अपने गाड़ी में बैठा के आपको ले गए जी? हरसिद्धि लेगा, हरसिद्धि लेगा तो बोले कि नहीं थाना पे बहुत सारा लोग है कि चलिए रूम पे। रूम में गया तो बोले नाश्ता वास्ता करने वाले, नहीं सर हमको जो भी बयान लेना लीजिए हम अपने फिर जाएंगे। उसके बाद बोले कि नहीं नहीं चाय पी लो। उसके बाद चाय में कहा पिला नहीं पिला हमको कुछ पता नहीं है। ढाई तीन बजे रात था तो देखे कि मेरे साथ ही सो, यानी कि जब चाय पिए उसके बाद क्या हुआ हमको पता ही नहीं चला कि हम कहाँ चले। यानी कि आपको आपको दरोगा जी अपने डेरा पे चाय पिलाए और चाय पिलाने के बाद आप बेहोश हो गई, आपको कुछ भी पता नहीं लगा कहाँ है कि हम कहाँ। उसके बाद ढाई तीन बजे तो देखे कि मेरे साथ सोए थे, तो हम उसी वक्त उठे, बोले सर क्या मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहे हैं कि हम यही रह गए हमको पहुँचाए नहीं आप? तो बोले नहीं हल्ला चिल्ला मत करो ना तो तुम्हारा। उसके बाद वीडियो मोबाइल खोले, मोबाइल के वीडियो दिखाने लगे कि ये देखो। हम बोले तब बहुत रोई हुई, बोला कि किसी को कहना नहीं है कि हम इनकी पत्नी नहीं है, सबको हम बोले कि मेरी पत्नी है। दो महीना उनके डर में थे। यानी कि जब आप ढाई तीन बजे आपका नींद खुला उस समय आप खुद को महसूस की कि मैं घर नहीं गया, मैं इनके साथ ही उनके साथ आप बेड पे सोए हुए पड़े मिले थे। हाँ। फिर आपका वीडियो बना लिया था जी, गलत काम का वीडियो बना लिया था जी। अब जरा सोचिए कि ये महिला जो है न्याय के लिए हरसिद्धि थाना में गई थी और वहां पे एगो कुकर्मी छोटा दरोगा था और न्याय के नाम पे किस प्रकार इनका गलत वीडियो अपने बेड पे बना लिया। जरा सोचिए कि जब तक बिहार के लगभग कोई किसी किसी थाने में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जब तक बिहार के थानों में इस प्रकार का रहेगा दरोगा तो न्याय कहां से होगा भैया, न्याय कैसे होगा, किसके पास न्याय के लिए जाएंगे? और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद क्या किया? डराने लगे, धमकाने लगे कि तुम वीडियो वायरल कर दोगे, वीडियो वायरल कर देंगे, क्योंकि उसका शकल उनका नहीं था, सिर्फ उनका बदन था, शकल नहीं था, शकल मेरा था। यानी कि अच्छा आपका आपके शरीर का पूरा वीडियो था उसके पास जी, उसके और उसका उसका चेहरा नहीं था लेकिन उसका भी वीडियो था जी। तो मैं इस डर से दो महीना तक थी, बहुत रोती कलपती रही कि जब बताइए हम तो एक जगह खुद दर दर के ठोकर खा रहा है, फिर आप सर क्या मेरे साथ कर रहे हैं? कर रहे कुछ नहीं, तुमको हम रखेंगे, मुस्लिम है, हिंदू था, ये था, बहुत गाली वाली बकते थे कि वो पासवान थे, बोला कि वो पासवान है, ये है, वो गंदा खाने वाला है, बहुत तरह का बात। उसके बाद में बोला कि अगर तुम उसके पास जाएगी ना, उसके पास जाना ही नहीं है, उसके पास तुम जाएगी तो तुम्हारा तुमको मार देंगे, फेंकवा देंगे, हमको नौकरी का डर नहीं है, हमको कुछ नहीं है, हमारे पास उतना औकात है, तुमको खिला लेंगे, बहुत तरह जी। दो महीने तो उनके डर से थे। उसके बाद बोले कि अच्छा जो कर, चूंकि वो हमारे उम्र के भी नहीं तो वो एजेड है, फिर भी हम बोले कि अच्छा हम तो घर से पैर निकाल चुके हैं तो कहीं ना कहीं तो हमको जगह चाहिए रहने का। उसके बाद उनके साथ हम रहने लगे तो फिर बोले कि नहीं तुमने क्या कीजिए, तो बोले अच्छा ठीक है हम लोग को दुनिया वाले को दिखाना नहीं है कि हम निकाह जायज रिश्ता तुम्हारा हम कर देंगे। शुक्रवार दिन था, गए आए ढाई तीन बजे, बोले कि तुम्हारा काम कर दिए, बोले ये कौन सा काम कर दिए कि जो हमसे कोई पूछताछ नहीं हुआ, तो बोल रहे कि नहीं हम जा रहे थे तुमको इमाम साहब से बात कराए, तुमको विश्वास नहीं है तो गए, तो हमको किससे बात कराए उन्हीं का दिल इमान जानता है, बोले कि तो हमसे बात किए, बोले इमाम साहब कि नहीं निकाह हम पढ़ाए कि टेंशन मत लीजिएगा, तो हम उनसे भी बोले थे कि ये कौन सा निकाह होता है, मैंने दो ही टूम ज्यादा भी बात हम नहीं किए थे। उसके बाद फिर जब मैं हमको 11 महीना हरसिद्धि में रखे, यानी कि हरसिद्धि थाना में ही जब वो पोस्टिंग था तब से सारा कांड हुआ जी। आप कितना दिन उसके साथ रही? उनके साथ डेढ़ साल तक थे। डेढ़ साल तक रही, यानी कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उस तरह से, क्योंकि हरसिद्धि बाजार में सब कोई जानता है कि इनकी पत्नी है, वहाँ पूरा लोग, वहाँ का लोग भी जानता है जी जी, सब कोई जानता है। अभी उधर होगा जी कहाँ है? अभी कल्याणपुर में, जब कल्याणपुर बदली हुआ तो कल्याणपुर में भी गए थे। कल्याणपुर आप गई थी कि नहीं गई थी? हाँ गए थे, ढाई महीने दिन वहाँ भी रहे, ढाई महीने वहाँ भी रहे जी, कल्याणपुर में ही रहे, मंगलापुर में सुभान भाई के डेरा में, नीचे बंधन बैंक है ऊपर हम लोग रहते थे। फिर उसके बाद? उसके बाद जब उनकी पत्नी को भी पता चला, हम भी इनको बहुत बोले कि एक तो खुद हम वहाँ सब बीवी बच्चा वाला लोग था कि हमारा ये हाल हुआ, हमारा पिता भागाया लोग, वहाँ मेरा गुजारा नहीं, फिर आपके पास भी नहीं होगा तो नहीं हमारे पास होगा, क्यों नहीं हमारे पास उतना औकात है, खिला लेंगे, अभी तो 10 साल मेरा नौकरी है, नौकरी पर लेके रहेंगे, उसके बाद तुम्हारे लिए भी घर बनाएंगे, उसका भी घर बन ही चुका है, बने बहुत तरह का बात बोलने लगे। उसके बाद उसके बाद फिर मुतिहारी भी हमको रखता था दलू भाई के मकान में, हाँ मुतिहारी भी आते थे तो हम भी आते थे, साथ में लेके आता था, साथ में लेके जाता था। उसके बाद में फिर उनकी पत्नी को भी पता चला, मुतिहारी आई थी उनकी पत्नी, उसके बाद में फिर लगे तीन पांच करने, तो हम भी दबाव बनाए कि नहीं अगर आपको कुछ हो जाता तो हम किस प्रूफ पर जाएंगे, कहें कि हम इनकी पत्नी है कि हमसे निकाह कीजिए। निकाह का जब अति बोलने दबाव डालने लगे तो वो हमको छोड़ने लगे, चूंकि एक एक बात जो पप्पू है वो जानते हैं, क्योंकि उनके साथ भी, उनके साथ का भी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, फोटो है, सब कुछ है। यानी कि आप डेढ़ दो साल तक उनके साथ रह गए, उसके बाद तक निकाह नहीं किया आपसे? एक मैंने डेढ़ साल जी निकाह नहीं किया था। जब निकाह का बात किया तो आपको भगाइए दिया जी। फिलहाल अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी मुतिहारी में रहती हैं। क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं?
देखिये उसके बाद तो हमको मुतिहारी में एक बार थाना पे भी गया तो थाना पे भी वही सही बोले, क्योंकि थाना पे पेट्रोल लेके गए थे लेकिन थाना प्रभारी पेट्रोल छिनवा लिए, लेकिन ये नहीं पूछा कि हाँ बाबू तुम क्यों यहाँ बैठी है, क्यों आत्महत्या करना चाहती हो, कुछ नहीं पूछा। थाना में गए थे? कल्याणपुर थाना। अच्छा, कल्याणपुर थाना में जी। उसके बाद वहाँ से भगाने का भी शाम हो गया था, हम बोले कि नहीं हम कहाँ जाएंगे, हमारा जगह ही कहाँ की जाएंगे, कि उनको बुलाइए, उसी थाना में पोस्टिंग थे, साथ में ही ड्यूटी करके आए थे, हम थाना पे बैठे वो लोग ड्यूटी निकले थे, पीछे ही उतर गए, पीछे ही से चढ़े, पीछे ही से उतर गए, चूंकि हम 9 बजे से वहाँ थाना पे बैठे। उसके बाद 5-6 बज गया था, 6 बजे के बाद थाना प्रभारी किसी चौकीदार के नंबर पर फोन कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं उसको कह दो जाने के लिए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हम बोले कि नहीं रोड पे ही क्यों नहीं बैठेंगे, लेकिन हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। तो बोल रहा है कि नहीं जाएगी, कि यहाँ से की मार के भगाएंगे। अच्छा, आपके साथ इतना सारा चीज जैसे हो गया, उसके बाद आप FIR किए हैं कि नहीं किए? थाना पर जाते तो थाना प्रभारी हमको भगा देते हैं। थाना प्रभारी आपको भगा देते हैं? जी, भगा देते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि थाना पर भी कई बार गए हैं। उसके बाद लास्ट में 6 तारीख को भी गए थे, मैं चकिया थी वहाँ केसरिया में जाके इंस्पेक्टर मैडम उनको भी आवेदन दिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। SP साहब के व्हाट्सएप किए थे, हम बीमार भी हैं, चूँकि हमारे पित्त में पतली भी है। उसके बाद में यहाँ DM ऑफिस में भी जनता दरबार में दिए हैं, लेकिन आज तक मेरा कुछ नहीं है। महिला हेल्पलाइन में भी गए, हर जगह से भटक के बैठ चुकी है। वो खुद बोलते हैं कि पुलिस वाला को साथ देता है, वो कहीं भी जाएगी। अब बोले कि अब तो क्या करेंगे, लास्ट में पटना बचा हुआ है, तो बोल रहा है कि कहीं जाएगी तो SP या DSP और DM के पास आएगा कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि हर जगह से आप हार गई हैं। अच्छा, महिला आयोग वाला लोगों को दी थी आवेदन, उसमें क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। महिला हेल्पलाइन तो वो तो आई तो और हमको दबा दी। क्या बोलिया? बोल रहे कि तुम कुछ भी कर लेगी, तुम्हारा फल सजाएगा, तुम ही अथी हो जाएगी, तुम्हारी तू ही जेल जाएगी। उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि तुम ही जेल जाओगी। वो अपना बोल रहे थे कि एक दिन हमको कॉन्फ्रेंस में बात कराई, बोल रहे मेरे सीनियर से बात करा रहा है कि वो भी बोलने लगी कि नहीं तुम ही जेल जाओगी, उल्टा आप ही को धमकाने लगी। हाँ, कि जेल जाएगी, इससे अच्छा है कि तुम अपना कहीं देख लो, कमाओ खाओ, अपना देखो, उसका चक्कर छोड़ दो। और बाकी आप जिस तरह से इनकी बातों को सुन रहे थे, जरा सोचिए और गौर और विचार करिए अपने आप में कि कहाँ पे कोई न्याय के लिए जाएगा। सबसे पहले जो चौकीदार था, कुकर्मी चौकीदार ही बोलेंगे, उसने पहले फोन करके इनके पति को इनके प्रति भड़का दिया, और उसके बाद खुद अपना संबंध बनाने के लिए इनके साथ शादी का ढोंग रचा करके सालों तक रहा। उसके बाद जब ये न्याय के लिए थाने में गई तो थाने में भी ऐसा छोटा दरोगा मिला जो उससे भी बड़ा कुकर्मी निकला। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि लगभग 1.5 वर्षों तक आपके साथ चौधर तो दो दरोगा का बात कर रहे हैं जी। डेढ़ साल तक इनके साथ रहा, अवैध काम किया, सबसे पहले चाय में नशीली पदार्थ पिला करके इनको बेहोश कर दिया, बेहोश करने के बाद अपने बेडरूम में ले जा करके इनके साथ गलत काम किया और गंदा काम का वीडियो बना करके इनको ब्लैकमेल करके अपने साथ वर्षों तक रखा, संबंध बनाया और मन भरने के बाद में कूड़ेदान का कचरा समझ के सड़कों पे फेंक दिया। और जाते जाते वरीय अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। महाराज आपके कंधों पे इन तमाम लोगों का विश्वास टिका है। मोतिहारी के SP साहब से विनती है कि कम से कम जांच करके वैसे कुकर्मी और कुसंगी दरोगा को सस्पेंड करिए और सलाखों के पीछे डालिए, ताकि फिर से दोबारा इस प्रकार किसी भी महिला के साथ वो खिलवाड़ ना करे। जय हिंद।